महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार किंग्स। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस अधिकारी सहित कुल 7 पुलिसकर्मी 30 करोड़ के मामले में निलंबित हुए थे, जिसमें से क्राइम PI शिवाले और PSI हर्षद काले और मदने नाम के एक पुलिस अधिकारी का नाम इसमें सामने आया था। वैसे तो अभी इस पूरे मामले की जांच DCP अविनाश अंबुरे कर रहे हैं, मगर डिटेक्शन ब्रांच के PSI हर्षद काले, इनका ऐसा कहना है कि इस पूरे मामले में वो बेकसूर है और इन्होंने अपने बेकसूर होने का जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी दी है। हर्षद काले का कहना है कि जिस वक्त छापेमारी हुई थी उस छापेमारी में ये शामिल नहीं थे, और जब ये छापेमारी करके बॉक्स पुलिस स्टेशन लाया गया उस वक्त हर्षद काले एक नाइजीरियन को गिरफ्तार करके लाए थे, और उस वक्त क्राइम PI शिवाले ने जब पुलिस स्टेशन में हर्षद काले को देखा तो उन्होंने इस छापेमारी की जानकारी हर्षद काले को दी। जानकारी देते हुए हर्षद काले को क्राइम PI शिवाले ने बताया कि छापेमारी के दौरान ये बॉक्स बरामद हुए हैं और शिवाले ने वही बॉक्स हर्षद काले को ले जाकर दिखाया था अपने साथ में। हर्षद काले ने यह भी बताया कि शिवाले साहब को ये भी जानकारी नहीं थी कि हर्षद काले नाइट ड्यूटी पर हैं, उन्हें लगा कि वो दिन में थे और ड्यूटी करके चले गए, मगर अचानक जब छापेमारी करके ये लोग लौटे उस वक्त हर्षद काले से शिवाले साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने इस पूरे छापेमारी की जानकारी हर्षद काले को दी। हालांकि हर्षद काले ने यह भी बताया कि क्राइम PI शिवाले साहब ने खुद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ये जानकारी दी है कि हर्षद काले इस पूरे मामले में बेगुनाह है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के PSI हर्षद काले साफ तौर पर कहना है इनका कि इस पूरे मामले में वो निर्दोष हैं। जो छापेमारी हुई उसमें बॉक्स जो मिला था उसमें नशीला पदार्थ होने की जानकारी थी, और शिवाले साहब ने इस छापेमारी की जानकारी देते हुए नशीला पदार्थ होने की इस बॉक्स में बात कही थी, और नारकोटिक्स में होने की वजह से उन्होंने समझा ये उनकी जिम्मेदारी है और वो देखने के लिए बॉक्स चले गए थे। और आपको बता दें कि हर्षद काले ने मुंब्रा में नशेड़ियों पर काफ़ी लगाम भी लगाया था। मुंब्रा बाईपास, रशीद कंपाउंड और मुंब्रा के अन्य इलाकों में नशा बेचने और नशा करने वालों की गिरफ्तारी भी इन्होंने की थी, और कुछ नशेड़ियों का हर्षद काले ने जुलूस भी निकाला था। कहीं ना कहीं मुंब्रा की जो जनता है, हर्षद काले के चाहने वाले लोग हैं, वो लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस 30 करोड़ के मामले में PSI हर्षद काले निर्दोष हैं। बहरहाल हर्षद काले ने मुंब्रा शहर में नशेड़ियों के खिलाफ मुहिम चलाई, कई नाइजीरियन को भी गिरफ्तार किया, ये सच्चाई है। मगर 30 करोड़ के मामले में हर्षद काले का कहना है कि वो निर्दोष हैं, मगर जांच अभी जारी है, कुछ ही दिनों में जांच भी पूरी हो जाएगी, और क्या वाकई में हर्षद काले निर्दोष हैं, ये गुनहगार हैं, ये साबित हो जाएगा।